नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ एक बैठक में जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सेना के शिविर पर आतंकवादी हमले के बाद की स्थिति और इस संबंध में आगे की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ प्रधानमंत्री को समूचे घटनाक्रम की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने के लिए मुहिम चलाई जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर फेंकी शाही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सोमवार को शाही फेंकी गई है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलने पहुंचे थे। सिसोदिया फिनलैंड से लौटने के बाद उपराज्यपाल से मिलने गए थे। यह मुलाकात डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को लेकर थी। वे मीडिया से बात कर ही रहे थे कि किसी ने उन पर शाही फेंक दी। शिवपाल यादव ने 7 नेताओं को पार्टी से निकाला। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पार्टी के 3 विधान परिषद सदस्यों तथा 3 युवा संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों समेत 7 नेताओं को पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने समेत कई आरोप लगाकर सोमवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया। शिवपाल ने बताया कि विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह यादव, आनंद भदौरिया तथा संजय लाठर और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव दुबे एवं प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद एबाद, युव जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश यादव और समाजवादी छात्र सभा के प्रांतीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव को पार्टी से निकाल दिया गया है। आतंकी हाफिज सईद का सिर कलम करने वाले को 5 करोड़। छत्तीसगढ़ हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने उड़ी में रविवार को सेना शिविर पर हुए हमले तथा कश्मीर में लगातार भारत विरोधी गतिविधियों से आहत होकर पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद का सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी इस घोषणा से भारत के खिलाफ आग उगलने वाले इस आतंकी का खात्मा होता है तो वह अपने को धन्य समझेंगे। पुतिन समर्थक पार्टी की बड़ी जीत। रूस की संसद के निचले सदन के चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समर्थक फत्तारूढ़ यूनाइटेड रसिया पार्टी को 450 सीटों में से 343 सीटें मिल रही हैं। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को यह जानकारी 93% मतों की गणना के बाद दी। यह जब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।